हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास सेवन जनरल्स का लेसन एट द ओलंपिक चैंपियन, इसके कंप्रेहेंशन ए को। कंप्रेहेंशन बी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। कंप्रेहेंशन ए है, टोटल 7 क्वेश्चन है, वन बाय वन हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नो अबाउट द एंशियंट ओलंपिक गेम्स, जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स हैं उनके बारे में हम क्या जानते हैं। तो इसका आंसर है, एन एंशियंट ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 बीसी एट ओलंपिया। एक जो प्राचीन ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल था वो 776 बिफोर ईसा वर्ष पूर्व ग्रीस के ओलंपिया में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम, ओलंपिक गेम को उसका जो नाम है वो कहाँ से मिला। ओलंपिक गेम्स गॉट देयर नेम फ्रॉम ओलंपिया, ओलंपिक खेलों को उसका जो नाम था वो ओलंपिया से मिला। थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928, 1928 में जो ओलंपिक गेम्स था उसे नौका दौड़ में गोल्ड मेडल किसने जीता था। उसका आंसर है, हु के बदले में ओनली बॉबी पियर्स लिखना है। तो बॉबी पियर्स वन अ गोल्ड मेडल फॉर अ रोइंग रेस इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 के ओलंपिक खेलों में जो नौका दौड़ रेस हुई उसमें बॉबी पियर्स ने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट व्हाट एज डिड बॉबी विन द फर्स्ट रेस, अपनी बॉबी ने अपनी पहली रेस किस उम्र में जीती थी। उसका आंसर है, ही वॉन द फर्स्ट रेस एट द एज ऑफ 6, उसने अपनी पहली रेस 6 साल की उम्र में जीती। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिड बॉबी कंपीट विद इन द फाइनल्स ऑफ द एमस्टरडम ओलंपिक, एमस्टरडम ओलंपिक के फाइनल में बॉबी का जो मुकाबला था वो किससे हुआ। तो उसका आंसर है, ही कंपटीटेड विद कैन मेयर्स इन द फाइनल्स ऑफ द एमस्टरडम ओलंपिक, उसका सामना कैन मेयर्स से हुआ। एमस्टरडम ओलंपिक के फाइनल में उसका सामना कैन मेयर्स के साथ में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट कॉजेस बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस, वो क्या कारण था कि बॉबी को रेस के मध्य में धीमा होना पड़ा। तो इसका आंसर है, ही स्लो डाउन हिज बोट बिकॉज अ डक एंड हर डकलिंग्स वर स्विमिंग इन टू द पाथ ऑफ हिज बोट, उसने अपनी जो बोट थी उसको धीमा कर दिया क्योंकि एक जो डक थी और उसके जो बच्चे थे वो उसके नाव के रास्ते में तैर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट डिड बॉबी डू व्हेन ही सा अ डक एंड हर डकलिंग स्विमिंग अक्रॉस द वाटर वे, बॉबी ने क्या किया जब उसने एक डक को उसके बच्चों को पानी के जो रास्ते में आर पार जाते हुए या आर पार तैरते हुए देखा, तो उसने क्या किया। तो उसका आंसर है, He slowed down his boat and waited until all the ducklings were out of danger. उसने अपनी बोट को धीमा कर दिया और तब तक इंतजार किया जब तक कि सारे जो ducklings थे, जो बच्चे थे बतख के, वो खतरे से बाहर नहीं चले गए। तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन ए, 7 क्वेश्चन थे, वन बाई वन हमने कवर किए। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।